जय हो। यहाँ पे मंदिर ऊपर जाके नीचे से ऊपर से नीचे मंदिर ऊपर मंदिर ऊपर है। मंदिर की तरफ जा रहे हैं इधर से ना, ये रास्ता भी आता है और यहाँ भी है मंदिर, तो दिखाई दे रहा उधर। अरे चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, चलो वहीं चलते हैं, पहले वहीं दिखाता हूँ। मेरी हाल ख़राब हो गया भाई। ओम नमस्कार। मुक्तेश्वर मंदिर आ चुके हैं। 2300-2200 मीटर ऊंचाई, बहुत ऊंचे पे। पहली बार दर्शन करने ऐसे आया हूँ मैं कि जब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। महाराज जी के दर्शन, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। पंडित जी बैठे हैं यहीं। जय जय पंडित जी। अभी पापा का फोन आ रहा है इधर। अभी ये पढ़ो भाई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. देखो भाई साहब कितना बढ़िया है। इससे नीचे दिखाऊंगा तुम्हें व्यू, बहुत ही तगड़ा व्यू है भाई। सांस चढ़ गया मुझे तो सांस। ये मंदिर है इधर, नीचे का व्यू दिखाऊं। अभी वो खड़े हैं, मैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको नीचे। वहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, ये देखो नीचे, ये देखो नीचे। पता नहीं जी कहाँ जा रहे, बस सारा ढेर भूडा हाल है जी। मंदिर बहुत बढ़िया, कुछ भी कहो। शेर सार ना पा जाए हाँ। क्यों? मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे आ चुके हैं हम। शिवालिक एडवेंचर मुक्तेश्वर, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग और ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ होती हैं। इधर से भी जा सकते हैं हम। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी नीचे पॉइंट है शायद कोई, देखो ये है सब यहाँ। बाकी यहाँ ये पॉइंट्स है घूमने के। Only those lady come who cannot conceive. So they said to pass through the ladies who pass through this hole. Then see the child. मतलब छोटा है ऐसे, but निकल जाते हैं लोग। क्या? तो जिसको भी like बच्चा नहीं हो पाता ladies को। पहले देख तो सही यहाँ पे। हाँ जी। पहले नीचे तो देख। भाई तुम क्या कर रहे हो यार? चश्मा दो। ये पे कर लो। चश्मा नजर कहाँ आएगा? ये व्यू है यहाँ से। अब
थोड़ी तैयार है हमारी। गाने चला रखे इसलिए वीडियो सुकून ढूंढते हो और मैं तुम्हें सुकून दिखाता हूँ। जगह देखो कितनी प्यारी लग रही है, आंखों से देखोगे तो प्यार ही हो जाएगा। देखो कितनी प्यारी जगह है और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। पर यहाँ से नीचे मौत है सीधी। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह। ओ भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया ना, जाओगे कैसे? ओ बेटे देख कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ से। फ्लैश में दिखाई नहीं दे रहा। ठंड तो नहीं लग रही तुझे? रुक जा अभी, अब करूँगा। तू यहाँ पड़ जा यार, तूने पी एक बार फूंक मारी। बहुत तगड़ी हो रही है यार। क्या जगह है? अगर टाइम चलो दरोगा जी, रात हो रही है बिल्कुल पूरी विकट रात। पर यार आंखों से देखना और इस कैमरा से देखना बिल्कुल अलग ही एहसास है। बहुत ही प्यारा दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ किसी और तरीके से दिखाने का। अब देख सकते हो, अब थोड़ा क्लियर दिखाई दिया, बहुत ही सही दिखाई दे रहा है, बहुत सही। चलो चलते हैं, रात होगी, देखो विकट रात अंधेरा हो रहा। एकदम अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा होगा। तो उस वीडियो को हमने कर दिया था वहीं पे ख़त्म। हम आ गए थे वापस घर और रात में यार काफ़ी अच्छा था उधर, मतलब जितने भी नज़ारे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। और मैं अभी लेटेस्ट बात करूं तो अभी अभी मैंने एक फॉर्म भरा है, अभी ये देख सकते हैं आप। कहीं का फॉर्म है ये मैं आपको नहीं बताता, पर उसी के लिए मैं प्रिपेयर करना जो है वो शुरू करूँगा। मैं वापस आ गया था अपने हॉस्टल, और आने में तो यार जाते टाइम जो दिक्कतें हुई वो तो हुई ही थी, पर आते टाइम ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं वहाँ से तो मुझे एक बस मिल गई थी, वो जो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा या आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मुझे बस मिल गई थी। और बस बढ़िया बस थी वोल्वो, उसने मुझे तार दिया था गढ़ मुक्तेश्वर। और आने में मुझे लगभग वहाँ से लगे, ये मान के चलो मैं सुबह 10 बजे निकला था, और 10 बजे निकलने पर फिर मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा मैं किस टाइम यहाँ पहुँचा, मैं शाम को 8 बजे, 7-8 बजे तक मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गया था। और अगर मैं आने जाने की बात करूँ कि आप यहाँ से किस तरीके से जा सकते हैं वहाँ, तो आप मेरठ से तो सीधा बस लें, वरना दिल्ली से डायरेक्ट अपनी वोल्वो लें। 870 रुपये किराया लगता है वोल्वो का हल्द्वानी तक, ठीक है। पर यह है कि जो अच्छी फैसिलिटी में मिलती है, दूसरी बात यह है कि बहुत सही तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। यार फोटो खिंचवाना था यार, एक उसमें सब कुछ रगड़ दिया, भयंकर बताओ।